नमस्कार, आगे बढ़ते हैं। पाठ संख्या 282 की बात करते हैं। पाठ का क्रम बढ़ता रहेगा, हमारा आपका ज्ञान बढ़ता रहेगा। क्रम के अलावा यदि आप सोचेंगे कि एक पाठ यहाँ से एक पाठ वहाँ से पढ़ लिए तो फिर से अधूरा रहेगा। और हम जो मेहनत कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा चीज़ ज्योतिष का छूटे ना, इसलिए विस्तार पूर्वक हम आपको बता रहे हैं। और आप सिर्फ अपना 10-15 मिनट का समय देते रहिए, हम जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि आपको हम ज्योतिष घर बैठे सिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आज कर्क लग्न में मंगल की बात होगी और भावाश्रय फल लग्नानुसार, और मंगल की बात होगी तो पहले मंगल के कारकत्वों को अपने दिमाग में आने दीजिए। मंगल कौन, मंगल कैसा ग्रह, कार्य करने की प्रवृत्ति कैसी, कौन कौन से कारकत्वों की संज्ञा प्राप्त है, इन सारे बातों को मन में आने दीजिए। फिर दूसरी बात जो मन में आए, को किस भाव में मंगल है, उस भाव से क्या क्या परिणाम प्राप्त होते हैं, उस भाव के परिणाम की हानि करेंगे या उस भाव के परिणाम में लाभ पहुंचाएंगे। जब ये भी हो जाए तो ये भी ध्यान कर लेना चाहिए कि जिस लग्न की बात कर रहे हैं उस लग्न के साथ मंगल का रिलेशन क्या है। जहां ग्रह जा रहा है वो भाव शुभ है या अशुभ है, ये ज्यादा जानना जरूरी कि वो मित्र में है, शत्रु में है, उच्च में है, दृष्टि नीच की है, इससे ज्यादा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और मंगल लग्न में स्थित हो तो देखिए, मंगल लग्न में स्थित है और यदि कर्क राशि का हो जाए तब तो ज्योतिषी के लिए आनंद हो जाता है कि अब तो इसको मंगल के ही विषय में बताना है, अब तो ये नीच का हो गया और इसी पे सारा रिजल्ट थोप देना है, जो हुआ जीवन में वो भी, जो नहीं हुआ वो भी। अब नीच का समझेंगे तो मित्र राशि का किसको समझेंगे, इसीलिए हमने कहा प्लेसमेंट का ध्यान रखिए। वो भाव क्या है, शुभ है या अशुभ है, वो ज़्यादा महत्व रखता है इससे कि वो नीच में है या उच्च में। आगे बढ़ते हैं। अब लग्न मंगल काल पुरुष के पत्रिका में लग्न के साथ साथ आठवें स्थान का भी स्वामित्व रखते हैं, इसका भी ध्यान रखना है। चूंकि लग्न लग्न का स्वामित्व वो काल पुरुष की पत्रिका में रखते हैं, इसलिए भी मंगल का लग्न में स्थित होना बहुत बुरा नहीं कह सकते। सिर के कारक ग्रह भी मंगल हैं, जब हम लोग मेडिकल एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष और रोग में जाकर के समझेंगे। और इस पत्रिका में मंगल योगकारी है, केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामित्व तो रखता है। इस स्थान से नवा है और इस स्थान से चौथा है, 6-8 हम नहीं बोल रहे हैं, 6-8-12 जैसे जैसे बोलेंगे, जितना 6-8-12 आएगा उस ग्रह का परिणाम उतना ही अशुभ होगा, यह बात ध्यान में रखिएगा। तो क्या आठवें का रिजल्ट भी मंगल यहां करेंगे, थोड़ी बहुत करेंगे, जब चोट चपेट लगेगा तो सर फूटेगा लेकिन जान नहीं जाएगा, यह बात सोचना है। और मंगल लग्न में है तो फोर्स में काम करने वाला जातक होगा, और पंचमेश होकर के लग्न में है तो विवेकानुसार काम करेगा, तर्क के साथ काम करेगा। करियर लॉर्ड लग्न में है तो बहुत आयु नहीं, अर्थात जैसे ही पढ़ाई लिखाई समाप्त होगी काम पे लग जाएगा। यदि पैतृक व्यवसाय हो तो समझिए कि 15-16 साल से ही अपने काम में लग जाएगा। और मंगल की दशा यदि 10-12 साल में आ जाए तो भी आप देखते होंगे व्यावसायिक केंद्रों में, तो देखते ही होंगे, ठीक है किसी के यहाँ काम करना, मजदूरी, बाल मजदूरी, चर्चा इसकी रोज होती, करोड़ों की संख्या में पुलिस बल भी हैं फिर भी हम उसको रोक नहीं पाते, कानून बना लिए लेकिन उसका पालन नहीं करवा पाते।
तो हम यदि 12-15 साल के हैं, अपने पिता की दुकान में काम कर रहे हैं, तो क्या आपत्ति है? क्योंकि जातक का कर्मेश लग्न में है, तो वो जातक काम करने में अग्रसर होगा। ऐसे जातक को घर के भी काम बताएंगे तो वो अच्छी तरह से करे। लग्न स्थित मंगल होने से मांगलिक भी कहते हैं, इसका पाठ अलग से आएगा, लेकिन हम अपने इस पाठ के क्रम में आपको जरूर बता देंगे। अब इसके दृष्टियों की बात होती है तो कहेंगे ये केंद्र त्रिकोण का स्वामी है, इसके दृष्टि को शुभ मानिए। नहीं मानिए, हम दो ही दृष्टि जानते हैं, एक शुभ और दूसरा अशुभ, और मंगल को अशुभ ग्रह मानते हैं। तो अशुभ दृष्टि है, न शुभ दृष्टि है, न मित्र दृष्टि है, न नीच दृष्टि है, न उच्च दृष्टि है। इसकी दृष्टियां सिर्फ और सिर्फ अशुभ प्रभाव देंगे। तो जहां जहां देखेंगे 1, 2, 3, 4 चतुर्थ स्थान से संबंधित फल में परेशानी होगी, माता के सुख में कमी होगी, भूमि भवन मकान आदि परिश्रम से प्राप्त होगा, ऐसा कहना ज्यादा उचित। मंगल की दृष्टि सप्तम के ऊपर है, ये इसका उच्च स्थान है, क्योंकि नीच में बैठे तो 180 डिग्री पे उच्च के होंगे। तो यदि सामने वाले को हमको वो मोटिवेट करना है अपने तर्क से, ज्योतिष से नहीं, तो ये कहेंगे कि ये उच्च की दृष्टि रखता है, जातक को जीवन में बड़ा सुख मिलेगा, तो फिर मांगलिक क्यों होता है? सुख में बाधा, दाम्पत्य सुख में बाधा, तभी तो मांगलिक ना। और ये जातक के लिए ये स्थान उसके ससुराल के परिवार का है, तो 7 के बाद 8 यहाँ भी दृष्टि, तो ससुराल के जो साइड के कुटुंबजन हैं, अगर उससे भी विरोध होगा तो आपकी पत्नी आपसे प्रसन्न नहीं रहेगी या आपका पति आपसे प्रसन्न नहीं रहेगा। तो हम लोगों को सब चीज समझते हुए चलना है। और 8वें के ऊपर दृष्टि है, तो ऐसे जातक को ध्यान साधना में मन नहीं लगना, शोध के कार्यों में ये नहीं जा रहे। अब आगे बढ़ते हैं। मंगल यदि दूसरे स्थान में स्थित हो जाए, अब कर्मेश धन स्थान में गया, ये ध्यान दीजिए, पंचमेश धन स्थान में गया, हम स्वयं अपने कर्म से धन को जमा करेंगे और हमारा संतान भी धनवान होगा, और ये संतान का कर्म स्थान हो गया तो वो भी अपने काम में मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा। ये तो समझ में आ गया कि दशम का भी फल करेगा और अष्टम क्षमा चाहेंगे पंचम का भी फल करेगा। कालपुरुष के पत्रिका में लग्नेश दूसरे में है, अच्छा मान लिया। कालपुरुष के पत्रिका में अष्टमेश दूसरे में है और वहां से अष्टम स्थान को दृष्टि दे रहा है, तो ये अष्टम स्थान के लिए बहुत बुरा नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हम कहेंगे कि ध्यान साधना में इनका मन नहीं लगेगा, शोध के कार्य में सफलता नहीं प्राप्त होगी। अब यहां से 1, 2, 3, 4 चौथे दृष्टि पंचम से संतान पक्ष से आजाद रहेंगे, परेशानी नहीं होगी। अगर ये इसका घर नहीं होता तो फिर इस दृष्टि से हम नुकसान बताते। जो जो ग्रह अपने घर को देखता है उस घर का लाभ होकर आता है, तो ये मानना है। तो ऐसा जातक स्वयं विवेकी होगा और पंचम यदि बलवान है तो उसके पूर्वार्जित कर्म भी अच्छे होंगे, तभी तो पंचम बलवान। पूर्वार्जित कर्मों का लेखा जोखा तो पंचम से प्राप्त है। अब ये कहते हैं ना कि हम इसको आध्यात्मिक रूप से कैसे समझेंगे, इसको भी कभी ज्योतिष को वहां भी ले जा करके समझेंगे। अब यहां से दृष्टि 7वीं यहां और 8वीं भाग्य स्थान के ऊपर। तो जब 8वीं दृष्टि भाग्य स्थान के ऊपर है तो इसका लाभ करेंगे या हानि करेंगे? हम तो हानि करते कहते हैं, लक फेवर नहीं करेगा। आप कितने भी बुद्धिमान और विवेकी हैं, टाइम करेक्ट करने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, धर्म कर्म के क्षेत्र में मन नहीं लगेगा। हम ये नहीं कहते कि श्रद्धावान नहीं होंगे, लेकिन अटूट श्रद्धा नहीं होगी। ईश्वर है, भक्ति करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, लेकिन होगा कि क्या भगवान हमारे जीवन को संभाल सकते हैं क्या? भाग्य से ही सब चीज मिलेगा क्या, या कर्म ही करना पड़ेगा? तो जैसे ही यहां दृष्टि जाएगा आपके मन में प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो जाएगा।
अब दूसरे स्थान की हानि करेंगे, मंगल है ना, कुटुंबों को प्रभाव में रखना चाहेगा, अपने दबाव में रखना चाहेगा, वाणी के ऊपर प्रभाव होगा, बहुत अच्छा प्रभाव होगा मंगल दूसरे स्थान में हो। ऐसे जातक लॉजिकल बातें ही करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल इसके पास बहुत अच्छा है और कम्युनिकेशन की बात दूसरे से होती है। तो इसीलिए हम जब चर के बाद स्थिर कारक की बात कर, स्थिर कारक के बाद चर कारक की बात करते हैं, तो जब सेकेंड हाउस से हम कम्युनिकेशन की बात करेंगे और तब यहाँ मंगल को देखेंगे तो हमको कम्युनिकेशन के मामले में बहुत अच्छा बनाएगा। फल प्रश्न की विशेषता है कि प्रश्न क्या आ रहा है, ग्रहों की विशेषता नहीं है। हम प्रश्न के संदर्भ में ग्रहों को देखें तो रिजल्ट हमारे पास आएगा। अब ग्रह बैठा है, हमने बोलना शुरू किया तो अच्छा ही नहीं बोला, या अच्छा बोलने का इच्छा है आज तो अच्छा ही बोलेंगे। हम हमेशा कहते हैं कि ज्योतिष बोलिए, जितना ज्ञान है उतना ही बोलिए, लेकिन ज्योतिष बोलिए, जो समझ में आता है जो दिखता है वही बोलिए। यदि आपको परेशानी है तो आधे घंटे तो समय दीजिए जीवन में, पढ़ाई लिखाई में, और यही प्रोफेशन है, इसी से आप पेट भरते हैं, तो इसमें समय देना चाहिए। संकोच नहीं, हेजिटेशन नहीं। बहुत सारे ऐसे हमारे पूर्व पाठक या हम कहें पूर्व शिष्य हैं जो कमेंट में नहीं दिखेंगे लेकिन पाठ रोज पढ़ेंगे और प्रश्न मन में आएगा तो फोन पे सवाल पूछ लेंगे। तो संकोच नहीं, संकोच से आप ज्ञान हासिल नहीं कर पाएंगे। और हम अपनी बात नहीं कह रहे, ये मेरा ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान है जिसका मैंने अध्ययन किया, तभी सामर्थ्य हुआ कि हम आपको बता सके। तो शास्त्र सर्वोपरि है, हम सर्वोपरि नहीं है। आप हमसे प्रश्न नहीं पूछते, हम आप शास्त्र से प्रश्न करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगल यदि तीसरे स्थान में हो, ये जो राइट का निशान लगाते हैं वो हम अपने लिए लगाते हैं कि भावावेश में कभी फिर दोबारा दूसरे की बात न कर लें। अब हम यहाँ तीसरे में पहुँच गए, तीसरे स्थान में मंगल। अब यहाँ बात बताते हैं, हमने अभी तक इसके नेचुरल प्रभाव को आप जानते हैं, नैसर्गिक फोर्स क्या है, नैसर्गिक इसको कारकत्व क्या है, ये सब जानते हैं। पंचमेश मंगल का तीसरा जाना अच्छा, दशमेश मंगल का छठा जाना अच्छा नहीं। अब ये तो स्वामित्व के आधार पे मैंने बता दिया, लेकिन मंगल एज ए प्लैनेट तीसरे में है तो मंगल के सारे कारकत्वों की वृद्धि होगी, सूरवीर होगा, साहसी होगा, खेल कूद में रिच आगे बढ़ने वाला होगा, शारीरिक बल प्रयोग करने में तत्पर रहेगा। ऐसे जातक अपने मसल पावर से भी दूसरे को भयाक्रांत करते हैं। दूसरे को तो करेंगे लेकिन क्या भाई बहन के लिए अच्छा, यहाँ के कारक भी मंगल हैं, क्योंकि बल अगर तीसरे से देखते हैं तो कारक मंगल है, लेकिन उसके बावजूद जो इसके स्वाभाविक गुण है कि ये नैसर्गिक अशुभ ग्रह हैं तो अपने छोटे भाई बहनों को भी दबाव में रखेंगे। और यदि सूर्य राहु या शनि ऐसे ग्रह यहाँ स्थित हो जाए या उनकी दृष्टि हो जाए, राहु की स्थिति ही समझना है, दृष्टि नहीं, तो छोटे भाई बहन होंगे ही नहीं। नौकर चाकर को प्रभाव में रखने वाला, जूनियर कर्मचारी को प्रभाव में रखने वाला, छोटी छोटी यात्रा कर प्रसन्न होने वाला, ये तीसरे स्थान स्थित होने का फल है। अब ये नहीं कहें कि मंगल पंचमेश है, तीसरे में बैठा बहुत अच्छा। पंचमेश हो जाने से उसके नैसर्गिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। आप कार्यालय में काम करने जाते हैं वो आपका तात्कालिक गुण है, वहाँ आप अकाउंट्स की बात करते हैं तो अकाउंट्स ही ठीक है, लेकिन घर आते ही आप धर्मशास्त्र में जुड़ जाते हैं, ये आपके नैसर्गिक गुण है। घर आते ही पत्नी बच्चों के साथ लड़ाई करने लगते हैं, ये आपका नैसर्गिक गुण है, ये समाप्त नहीं होगा। और यदि नैसर्गिक गुणों में लड़ाई झगड़ा है तो कभी कभी हमारे कर्मस्थल पर भी वो दिखेगा,
तो इसीलिए हम कहते हैं कि रटने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं। और हम बहुत कुछ अध्ययन करने के बाद हम इसकी व्याख्या करने में समर्थ हुए हैं, और हम अपने आप को बहुत समर्थ भी नहीं मानते। इसीलिए आपको ध्यान देना है कि आप कितने समर्थ हो सकते हैं। अब इसकी दृष्टि पड़ेगी यहाँ छठे स्थान के ऊपर, इसकी दृष्टि पड़ेगी यहाँ नवम स्थान के ऊपर, और इसकी दृष्टि पड़ेगी दसम स्थान के ऊपर। तो दसम स्थान से छठा होना अच्छा नहीं, लेकिन दसम स्थान के ऊपर जो दृष्टि आ गया तो ये दसम को बलवान बनाता है। तो अपने परिश्रम से काम करेंगे, और मंगल ही जब लॉर्ड है दसम का, तो निश्चित रूप से बल से भी काम करेंगे, बलपूर्वक काम करेंगे, और काम में तरक्की प्राप्त होगी, करियर अच्छा होगा, ये कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मंगल यदि चतुर्थ स्थान में स्थित हो तो क्या फल करता है? तो मंगल चतुर्थ में है, और चतुर्थ स्थान में यहाँ तुला राशि है, तो क्या तुला राशि का गुण कुछ, या तुला राशि के स्वामी का गुण कुछ लेंगे क्या? लेते हैं, इसको प्रैक्टिस में समझेंगे, बहुत मजा आएगा। अब मंगल चतुर्थ में है तो पंचमेश चतुर्थ में है, अच्छा है, लगन से चतुर्थ है, अच्छा है, लेकिन पंचम से बारहवां है, अच्छा नहीं है। मंगल एक अशुभ ग्रह है, चतुर्थ स्थान में अच्छा नहीं है। चतुर्थ स्थान से दृष्टि गई दशम में, अच्छा है। चतुर्थ स्थान से दृष्टि सप्तम में आ रही है, अच्छा नहीं है। यहां से दृष्टि लाभ स्थान में पड़ रहा, अच्छा नहीं है। काम खूब कीजिएगा, परिश्रम खूब कीजिएगा, लेकिन लोग कहते हैं ना कि 100 रुपये का मेहनत किया 80 रुपया मिला, 70 मिला, 100 नहीं मिला। आपको अपना परिश्रम ही बढ़ा करके 100 प्राप्त करना है। पुनः दोहराएंगे कि ये अंतिम सत्य नहीं है, एक ग्रहों के हिसाब से हम लोग भावाश्रय पल पढ़ रहे हैं। अब हमको समझ में आता है कि यहाँ मंगल है तो माता के साथ हमारा रिलेशन क्या होगा, क्या हम अपने घर से दूर रहेंगे? भूमि भवन भवन मकान वाहन आदि का सुख विलंब से मिलेगा। अब ये चौथे स्थान में मंगल है तो जातक मांगलिक होगा, और मांगलिक का प्रभाव कैसे होगा यहाँ भी समझ लीजिए, वहाँ भी समझेंगे। चौथे को दृष्टि दे रहा है तो अच्छा दृष्टि नहीं, सातवें के बाद आठवें को दृष्टि दे रहा है तो अच्छी दृष्टि नहीं, इससे सातवां और आठवां कह रहे हैं, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, मंगल से यहाँ 7 और ये 8। तो लाभ प्रभावित हो तो पत्नी या पति ऐसे भी नाराज रहते हैं, ऐसे भी परेशानी होती है। और सप्तम स्थान के ऊपर दृष्टि अर्थात पत्नी से लड़ाई झगड़ा होगा, इसीलिए मांगलिक दोष से डरते हैं लोग। हमको इसको शुभ है, लेकिन ये तत्कालिक रूप से शुभ है, नैसर्गिक रूप से अशुभ है। अब सिर्फ ये अष्टमेश है, ये पंचमेश है, ये नवमेश है, कौन है इससे मतलब नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा यही जरूरी है कि कौन है। मंगल है शुभग्रह है क्या, गुरु है शुभग्रह है क्या, शनि है शुभग्रह है क्या, शुभग्रह सबको नैसर्गिक गुण स्वरूप क्या है उसको उसकी, इसको सूक्ष्मता से जानने की जरूरत है। अगर इसको सूक्ष्मता से जानेंगे तो निश्चित रूप से प्रभाव अच्छा और फलकथन अच्छा होगा। नंबर से पढ़िए, क्रम से पढ़िए, हमेशा निवेदन करते हैं, कोई समस्या हो तो फ़ोन करिए, मेल कीजिए, बेहिचक कीजिए। आज इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।